नमस्कार दगड़ियों, हम बात करना चाह मीडिया डिक्शनरी, मतलब मीडिया के जो शब्दकोश है ना, वो शब्दकोशों का और जो मीडिया का जो अलग अलग आयाम छ ना, अलग अलग जो माध्यम छ ना, और अलग अलग जो तरीका छ ना, उन पर बात करना चाह। आज हम बात करला परंपरागत संचार की, जैसे अंग्रेजी में बोलूँ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। संचार तो आप जानते छ, संचार का मतलब होंदो संदेशों को आदान प्रदान, भावनाओं को आदान प्रदान, विचारों को आदान प्रदान, सूचनाओं को आदान प्रदान, ये तो हम बोल दो संचार। और यो दुई लोगों के बीच भी हो सकदो, दुई समूहों का बीच भी हो सकदो, और एक आदमी बिटिन कई लोगों के बीच भी हो सकदो, और कई बड़ा बड़ा समूहों का बीच भी हो सकदो। तो परंपरागत संचार का तात्पर्य छ जो संचार व्यवस्था, जो संचार प्रक्रिया, जो संचार प्रणाली हमारी परंपरागत रूप से कई सालों बिटिन हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी छ, वह तो हम परंपरागत संचार बोल दो। मतलब संचार का जो माध्यम छ ना, वो परंपरागत छन, वो हमारे संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता का आधार पर वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी छ, और वो एक निरंतर प्रक्रिया छ, वह तो हम परंपरागत संचार बोल दो। उदाहरण के लिए हम यदि गढ़वाल में हम परंपरागत संचार की बात करूँ, तो गढ़वाल में परंपरागत संचार का कई साधन छन। पहली जन कि भाई लोक नृत्य हुए गिन, लोक गीत हुए गिन, लोक गाथा हुए गिन, है ना, ये सब जो छ क्या छन, लोक जागर हुए गिन, ये सब जो छ हमारा परंपरागत संचार का माध्यम छन। और एक अलावा थौला हुए गिन, मेला हुए गिन, है ना, त्यौहार हुए गिन, हमारा अलग अलग त्यौहार, अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग त्यौहार, अलग अलग मौसम का आधार पर अलग अलग त्यौहार, है ना, ये सब जो छ हमारा संचार का माध्यम छ। संचार को मतलब ये हो दो कि जैमा हम संदेश प्रेषित कर दो, हम एक मैसेज दे दो, एक संदेश दे दो, है ना, अपना समाज ते, या ये कह के हम जो संदेश दे दो वही संचार छ। तो हम पहले क्यों छो हमारा जो गढ़वाल मा और हमारा पहाड़ मा कि संदेश देना का जो माध्यम छ ना, वो हमारा परंपरागत छ, ठीक है ना, वो हम लोकगीतों का माध्यम से हम समाज में संदेश देन छ, लोक गाथाओं का माध्यम से हम समाज तक संदेश देन छ, और लोक नृत्य का माध्यम से हम समाज तक संदेश देन छ। और वहाँ का अलावा जो थावा मेला होन, वो में भी संदेश ही संदेश होन छ, लोगों तक जागरूक करना तय, लोगों को मनोरंजन तय, लोगों जन आज के जमाने में संचार का माध्यम जन टीवी छन, टीवी चैनल छना, है ना, थिएटर छना, आपका तमाम जो भी आजकल सोशल मीडिया छन, यू में क्या छ सूचना प्रदान करने का साथ साथ में, जागरूकता करने का साथ साथ में मनोरंजन कर भी मीडिया को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छ। तो पहले जो छ यू जो हमारा परंपरागत संचार का माध्यम छ, पहली थौला मेला, यू में भी क्या मनोरंजन का साथ साथ क्यों था कि संदेश भी एक जगह से है जगह पहुँचे जान छ, और लोगों तक जागरूक छोटा छोटा नाटक करी तई, और छोटा छोटा जो छ वो करी तय कार्यक्रमों का माध्यम से लोगों तक जो छ क्या लोक नृत्य का माध्यम द्वारा या लोक गीतों का द्वारा लोगों तक संदेश प्रेषित करे जान छ। उदाहरण का खातिर हम यदि बोलूँ तो कोई भी गीत छन, नेगी जी को एक नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारा प्रसिद्ध लोक गायक छन, उनको कई गीत छन जो गीतों में समाज तय वो संदेश देना, जागरूक करना तय, और समाज का उत्थान का खातिर या कई भी क्षेत्र में संरक्षण का खातिर, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का खातिर हो, शिक्षा का खातिर हो, भ्रष्टाचार का खिलाफ हो, कई चीज़ों कई बातों को लेकर कई विषयों पर उन अपना लोकगीत जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करें ना, और एक संदेश के रूप में उन लोगों तक जागरूक करने को कोशिश करी। उन्हीं हमारा प्रीतम भरतवाण जी हुए ना, डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी हुए ना, और हमारा जीत सिंह नेगी जी, बहुत पुराना पुराना जो हमारा लोक गायक रहे ना, उन अपना गीतों का माध्यम से लोगों तक जागरूक करने की कोशिश करी, लोगों तो जो है उनको उत्थान करने की कोशिश करी, उनको विकास का खातिर उन अपना गीतों का माध्यम से लोगों तक जागरूक करने की कोशिश करी। और थौला मेला भी को भी उद्देश्य ये हो कि लोगों तक जागरूक करूँ, लोगों तक संदेश प्रेषित करूँ, लोगों का मनोरंजन करूँ। तो और कठपुतली भी पहाड़ में पहले हो जय के माध्यम से कि लोगों तक जागरूक और संदेश करने की कोशिश करे जान छ। दूसरा जो हमारा वाद्य यंत्र छन, जितना भी हमारा गढ़वाल का वाद्य यंत्र छन, वो में भी कोई न कोई संदेश छुपियों छ, छुपे रहन छ, जबकि
जब एक जगह बैठन, जब बारात जान छे, बारात शादी की बारात जब जान छे एक जगह बैठना, तो बारात जो ढोल दमौ हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र छन गढ़वाल का, जब वो बारात में जब बजत छ न, तब पता लग जान छो कि बारात घर बैठन तैयार होएगे, या बारात रास्ता लगी छ, या तैयार छ होनी, या रास्ता लगी छ, या ओकाल चढ़ी छ, या उंदार चढ़नी छ, या सेनार चढ़नी छ, या दुल्हन के घर पर या ब्योली के घर पर बारात पहुंच गए। यो अलग अलग तरीके से जुओं को तरीका छो वाद्य यंत्रों तो बजाण को ऊँग माध्यम से पता लग जान छ कि अब बारात कखम पहुंची और अब अरे क्या छ बड़े बजाणों कुछ और। तो यूँ सब वाद्य यंत्रों में एक संदेश होन छो जिस जो माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि भाई अब बारात कख छ और कख पहुंची। तो बुनक मतलब ये छ कि हम लोग जो छ हमारा जो परंपरागत संचार छ ना उनक हमारा समाज में बहुत बड़ो महत्वपूर्ण योगदान रही, और हम कोशिश करला कि हम यूँ के योगदान तय अग्नि भी बने रखूँ और यूँ को संरक्षण में हम सब लोग काम करो, और यही परंपरागत संचार का हमारा माध्यम छन। नमस्कार।